कैस्टर का उत्पादन इस बार पिछले साल के मुकाबले कम ही देखने को मिल सकता है। इस बार कैस्टर का उत्पादन 15.08 लाख टन रह सकता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 8.5% कम है। कैस्टर की डिमांड भी धीरे धीरे सुधर रही है। कैस्टर पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि कैस्टर में तेजी कायम रहेगी। मार्च में कैस्टर की आवक शुरू हो जाएगी। कैस्टर का भाव जब 6,600 के आसपास था, तब उन्होंने कैस्टर में 7,200 से 7,500 के भाव आने का अनुमान दिया था, जो कि वायदा बाजार में देखने को भी मिला। लेकिन अब मार्च में कैस्टर की आवक देखने को मिलेगी, जिससे मार्केट वापस 6,900 से 7,000 के दायरे में आ सकती है। आवक और रूस यूक्रेन की लड़ाई से पैदा हुए भू राजनीतिक तनाव के चलते कीमतों में गिरावट आ सकती है। 6,900 का भाव मिलने पर खरीदारी में रहा जा सकता है। गिरावट के बाद भी तेजी जरूर बनती दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।